लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो एंड साथ ही साथ मैंने आपको विंडोज इंस्टॉल करना भी बताया था। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MBR और GPT के बीच डिफरेंस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल रेक्स यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था आपको पेन ड्राइव को बूट करना, उसके अंदर आपका एक ऑप्शन आया था GPT और MBR। बेसिकली GPT और MBR क्या है? GPT का फुल फॉर्म है गाइड पार्टीशन टेबल और MBR का फुल फॉर्म है मास्टर बूट रिकॉर्ड। बेसिकली MBR की एक लिमिटेशन है कि आपकी जो भी हार्ड ड्राइव है वो अगर 2 TB से कम है या 2 TB तक की है, उसके अंदर आपका MBR पार्टीशन होता है और उसके अंदर आप पेन ड्राइव को MBR में बूट करके विंडोज या लिनक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपका इससे ऊपर लेवल का है या आप किसी बड़े लेवल पर काम करते हो, आपके पास कुछ बड़ा सिस्टम है, तो आप उसके अंदर GPT के थ्रू विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया है क्या इन दोनों में डिफरेंस है। और अगर आपको पेन ड्राइव को बूट करना है तो आप ऊपर आई बटन पर इसका वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको विंडोज इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना।